कैसे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं फिर आ गई हूँ एक स्मैल के साथ आप सभी के साथ एक वीडियो लेके कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं इधर कॉम कर रही हूँ क्योंकि मैं नहा के और कॉम नहीं की थी तो फिर सोची चलो मैं कॉम कर लेती हूँ और आज कल ना बाल सर्दियों में जब <laughs> कम्बल में जब सोते हैं ना तो बाल ना बहुत वो वो नहीं होता रोअर रोअर सा जो हो जाता है तो इस तरीके से हो जाते हैं बाल और फिर थोड़ी देर कंघी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे को भी कितना टाइम हो गया कॉम करते करते तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी और उसके बाद हाथ वाथ धो के उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में मैं मतलब किस लिए आई हूँ वो मैं आप सभी को बताती हूँ तो मैं फल काटूँगी और क्योंकि अभी मतलब टाइम इतने बजे ही हम लोग फल खाते हैं या फिर बारह बजे के बाद क्योंकि जब मनु मतलब स्कूल से आता है तो उसके बाद ही मैं फल खाती खाते हम मैं और मतलब दोनों बच्चे क्योंकि हस्बैंड जी को तो मैं टिफ़िन में पैक करके दे देती हूँ क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो खा के चले जाएँ तो इससे अच्छा मैं उनका टिफ़िन में पैक कर देती हूँ कट करके कर तो वो उनको जब टाइम मिलता है ऑफ़िस में तो वो ऑफिस में ही खा लेते हैं और अपना मैं इसी टाइम हम फल खाते हैं तीनों माँ बेटे तो वो ही मैं कट कर रही हूँ इसमें मतलब बनाना है और अमरूद इन दोनों के साथ घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो वो मैं खाती ही खाती हूँ अमरूद और एप्पल है बनाना है पपीता भी है तो पपीता भी मैं कट करके कर रख दी थी मॉर्निंग में क्योंकि जब हस्बैंड जी को काट के दिया था उनकी चलो फिर वो ही मैं साथ में ले लूँगी और कभी कभी इसमें ऑरेंज भी होता है एक कदू फल और भी होता बट है, है बट आज जितना है उतना ही बट हाँ कि ये है कि जितना होता है हम लोग खाते जरूर हैं तीनों लोग और को तो बच्चे नहीं खाते हैं वो मैं ही खाती हूँ तो वो मैं इसमें नहीं काटती हूँ क्योंकि जब बच्चे खाएंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं है तो बच्चे मेरे यही पसंद करते हैं पपीता है और बनाना एप्पल मतलब ये ही सब मैं काटती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च डाल के और नमक डाल के तो मैं अब ले जाऊँगी ऊपर तो हम लोग धूप में बहुत इंजॉय करते हैं और इनको हम खाते हैं कि चलो अब मैं टाइम भी हो गया था बच्चों का और जब तक वॉश मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तब तक हम लोग अपना ये खा लेते हैं नाश्ता हमारा हो चुका और खाना मेरा बाद में बनेगा तो मैं ये छिलके डालने के लिए चली गई थी क्योंकि मैं ना ये गाय को भिजवाती हूँ ऐसे फेंकती नहीं हूँ तो यहीं पे मतलब गाय है बराबर में ही तो जब मेरे हस्बैंड जी जाते हैं कभी या फिर मैं जाती हूँ तो वो गाय को रख देते हैं तो गाय खा लेती है इससे अच्छा है कि भाई बेकार जाएँ गाय खा ले फल ही तो है तो इसलिए फल का ही तो है मतलब तो इसलिए मैं भेज देती हूँ तो चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर तो दो में चम्मच ले लेती हूँ मतलब कांटा वाली और उसके बाद हम लोग खाएंगे गैस में चलती हूँ ऊपर और फल खाएंगे मैं मनु और गोलू और हस्बैंड जी को तो मैं टिफ़िन में दे देती दे दे हूँ तो वो खा लेते जब उनको टाइम मिलता है क्योंकि यहाँ पे है तो जब तक वो आते तब तो तब ज़्यादा लेट हो जाता है तो इसलिए मैं उनको पैक करके दे देती हूँ देखिए बच्चे तो लोग तैयार हैं ये देखिए पपीता खा लो आप जो ना और ये देखिए आज ना में कितनी स्लूपर हुई हूँ बच्चों की और ये आधी भी नहीं है और मतलब वो इतनी दो थी जो कि मतलब ये पहनते नहीं ज़्यादातर वो वाली और नहीं तो बहुत सारी अभी रैक में लगी हुई हैं मनु कि ज्यादा बड़े वाले बेटे की छोटे की तो कम है मतलब क्योंकि उसके छोटे हो जाते हैं तो फिर वही पहनता है तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और हम लोग खा लेते हैं पपीता तो आप देख रहे हो मतलब गोलू पपीता पपीता उसको ऐसे ही बोलता जब भी बोलेगा और इसके बाद मतलब ना आंटी जी आई थी छत धोने के लिए क्योंकि वो आंटी जी ना कै ही दिन में आई थी काफ़ी दिन में तो मैं मनु से बोल रही थी बाबू स्लीपर हमने ऊपर रख दी थी सारी उठा के क्योंकि आंटी जी धोएंगी क्योंकि जब शादी थी तो ये वाली आंटी जी नहीं थी और ये काफ़ी दिन में आई हुई है तो छत गंदी भी हो गई थी तो फिर दीदी बोलने लगी कि छत को मैं धुलवा देती हूँ तो वैसे भी तो ये धुलती रहती है अब देखने धुलती रहेगी छत और देखिए मैं बच्चों के साथ तो मतलब खाने के बाद मतलब इन्जॉय कर रहे थे मैं मतलब खेल रहे थे ऐसे ही गोलू को बोली थी गोलू हेलो बोलो गोलू सोच में पड़ गया पता नहीं <laughs> किस सोच में वो पड़ गया और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और क्योंकि कपड़े वॉशिंग मशीन में, में डले हुए थे तो वो मैं नहीं निकाली थी मैंने कि चलो कपड़े मैं मतलब ऊपर डाल देती हूँ क्योंकि आजकल ठंडी है तो कपड़े सूखने में टाइम लगता है आप सभी को पता ही है तो ये देखिए और कल है संडे तो ये ब्लॉग मेरा संडे वाले ही दिन जाएगा तो चलिए और थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी हो जाता है तो वो मैं निकाल देती हूँ डालने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए थे तो फिर मैं खाना बनाने लगी और मतलब सब्जी में मैं बनाई थी केले की सब्जी कच्चे केले की और थोड़ी सी भिंडी भी रखी थी तो मैं पूछ लूँगी अगर वो भिंडी खाएँगे तो दूंगी अगर नहीं खाएंगे तो नहीं दूँगी वैसे तो पूछना अच्छा है क्योंकि कभी ना खाएँ और फिर वैसे भी वो नहीं खाए थे मैं ही खाई थी भिंडी की सब्ज़ी और आटा भी मैं लगा लेती तो सारा काम मेरा तैयार है बस मेरे को खाना लगाना है और मैं मतलब सैलेड भी काट दूँ थोड़ी सी मूली और खीरे की बस यही काटी हूँ और क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा कम मन करता है सैलेड खाने का गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को तो और थोड़ा सा ठंडियों में ना पता नहीं मेरे को कम अच्छी लगती है सैलेड खाना बट खाना चाहिए पर मेरे को क्यों नहीं पता नहीं अच्छा नहीं लगता सर्दियों में बट मैं काट लेती हूँ कभी कभी फिर भी ना काफ़ी काफ़ी दिन हो जाते हैं कटती नहीं है या फिर मतलब रखे रह रखे रहेंगे खीरे वगैरह कभी काटने का मन नहीं करेगा कभी खाने का मन नहीं करेगा तो ऐसे हो जाता है और फिर कभी कभी काटती हूँ मैं नहीं तो हम लोग ऐसे भी खा लेते हैं ज़्यादा खाना तो मैं फटाफट रोटी सीखूँगी और हस्बैंड जी को दे दूँगी बच्चों को दे दूँगी साथ में ही तो बच्चे भी खा लेंगे क्योंकि आज मनु की छुट्टी थी उसकी दो दिन की छुट्टी रहती हैं तो इसीलिए फिर वो आज स्कूल भी नहीं गया उनके चलो साथ में ही और उसके तुम थोड़ी देर पहले तो हम फल ही खा के आए थे क्योंकि थोड़ी देर पहले नहीं एक डेढ़ घंटा हो गया होगा क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा सा एक डेढ़ बजे के करीब आए थे उनका तो कोई टाइम ही नहीं होता कब आते हैं कब जाते हैं तो इसीलिए फिर हम उनके हिसाब से देखती हूँ जब वो आते हैं तभी फिर मैं रोटियाँ गरम गरम बना देती हूँ सब्जी तो फिर मैं बना लेती हूँ क्योंकि सब्जी रेसिपी शेयर नहीं की मैंने फिर किसी दिन कर दूंगी क्योंकि ना कभी कभी ठंड का मौसम है तो मन नहीं करता है कि मतलब शेयर करो कभी करती हूँ कभी ना करती हूँ मैं और कोई नहीं शेयर तो करते रहते हैं कभी हो और इधर भी आंटी से नीचे भी काम कर रही हैं अं� अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी खिड़की से दिख रहा होगा और पता नहीं अब मैं कब अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो चलिए मैं खाना वाना खा लेती हूँ और जब भी टाइम मिलेगा तभी आप लोगों से मैं बात करूँगी तो खाना मेरा रेडी है शाम के बज गए हैं साढ़े चार और मैं आप लोगों से अब बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मतलब वो कोई बात ही नहीं कर पाई थी तब तो से जब से मतलब कपड़े डाल के आई थी और खाना बनाने के बाद मैं फिर कोई ना तो ब्लॉग बनाई ना मतलब बात बात के कुछ भी तो उसके बाद मैं बाबू को सुलाने लग गई थी हस्बंड डे भी आ गए थे थोड़ा सा उनसे बात वगैरह की तो फिर वो चले गए ऑफ़िस उसके बाद बाबू को सलाया बाबू को सलाने के बाद थोड़ा सा मैं भी मतलब वैसे ही लेट गई थी बाबू के पास क्योंकि ना उसका क्या वो मेरे बिगर लेटता ही नहीं है सोएगा ही नहीं बिल्कुल चाहे दिन हो चाहे रात हो उसके पास मेरे को लेट नहीं पड़ता और बच्चे जब छोटे होते ना तो उनके पास लेट नहीं पड़ता है चाहे वो कुछ भी वो मम्मा को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है और वो तो ऐसा रात में भी कई बार ना उठ के बैठ जाता है मम्मा उसे तो मम्मा चाहिए होती है बस और नहीं तो वो सोता ही नहीं तो मैं सोच चलो आप लोगों से बात कर लूँ और फोन ना बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि ना मतलब ये पकड़ रखा है इसलिए तो इससे अच्छा मैं ट्राई कोर्ट लगा लूँ उसके बाद बात करती हूँ तो फोन मैंने ट्राई कोर्ट में लगा लिया क्योंकि ना ये हाथ दर्द करने लग जाता है जब उसको पकड़ते हैं तो और अभी मनु कुछ देर में आएगा तो उसके लिए मेरे को दूध वगैरह बनाना बाबू अभी सो ही रहा है तो फिर मैं सोच रही हूँ उसको उठा लेती हूँ क्योंकि टाइम टाइम भी हो गया है फिर नहीं तो रात में लेट सोएगा और कल है संडे और कल देखते हैं कौन सा ब्लॉग जाएगा नहीं सॉरी कल तो यही ब्लॉग जाएगा संडे को तो जो मैं अभी जो सूट कर रही हूँ इसी को तो यही ब्लॉग जाने वाला है मेरा तो आप सभी ने मेरी वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया कल वाली पे जो मतलब आज की वैसे तो आप सभी को कल लगेगी तो उस पर इतना ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और मतलब ना डॉगी के आवाज आ रही है आप लोग देख सकते हैं एक मिनट सच में आप जाके वो बंद हुआ है और ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब छोटा सा है इतना बड़ा सा और वो इतने तेज़ी से चिल्ला रहा बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना कभी कभी ना इतना मुश्किल हो जाता है कि बस अगर वॉइस ओवर गए बैठे ना कभी सब्ज़ी वाले भैया आते हैं कभी मतलब ये डोगी लाने लगते हैं कभी कोई कभी कोई मतलब गली में ना ऐसे कभी बच्चे ही अपने ही शोर में चलने लगते हैं तो पता नहीं वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि अब ये वीडियो वॉइस ओवर होगा ही नहीं तो कई बार तो ऐसा हो जाता है सच में <laughs> मैं सोच रही पता नहीं आज बंद होगा कि नहीं होगा और काफ़ी देर में जाके बंद हुआ है क्योंकि मैं अपनी वीडियो ही बंद कर दी थी मैंने कि पता नहीं ये कब तक बंद होगा तो <laughs> मैं कहाँ बात कर रही थी तो आप सभी ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और शाम के तो साढ़े चार बज ही गए हैं तो मैं सोचिए अपना आप लोग का ही एंड कर देती हूँ और आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है और हाँ गए जो न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लें एक स्माइल के साथ कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए एक सब्सक्राइब करना तो बनता है तो मैंने ना अपना ब्लॉग ऐसे स्टार्ट किया था आज कोई ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के करीब अपना ब्लॉग स्टार्ट की थी मैं और तब से मेरा ब्लॉग अब एंड हो रहा सोचिए कितना मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में और ऊपर से कभी कुछ कभी कुछ चलता रहता है तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भर भर लाइक कीजिएगा तो चलिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग